हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने किया था कैरेटिन का हेयर स्पा किसी क्लाइंट पे, जो कि मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। और ये लेके आई थी तो मेरे को लगा भी कि रिज़ल्ट देखते हैं। इसका रिज़ल्ट वैसे बहुत अच्छा आया था। सबसे पहले मैंने इसमें से एक स्पैचुला की मदद से इसमें क्रीम निकाल ली थी, स्पा क्रीम। और आप हमेशा ऐसी स्पैचुला या किसी स्पून की हेल्प से निकालें, नहीं तो ना वो सारी क्रीम ख़राब भी हो सकती है। अब बस मैंने क्रीम निकाली और इसमें मैं ऐड करूँगी स्ट्रेक्स का, मैंने ऐड किया था ये सीरम। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे आपको, लॉरेल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें स्ट्रेक्स का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा हेयर के अकॉर्डिंग ही कितना आपको सीरम यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि जो मेरे क्लाइंट के हेयर थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, बहुत ज़्यादा ही ड्राई थे। उन्होंने पहले कैरेटिन भी कराई हुई है, डैमेज भी थे इस वजह से उनके। ये देखिए, अब मैंने इन्हें अच्छे से वेट कर लिया था। वेट करने के बाद अब इसमें स्टार्ट करूँगी मैं कैरेटिन। कैरेटिन स्पा आप इसे घर पे भी कर सकते हो यूज़ स्पा को। सबसे पहले हम टैंगल फ्री कर लेंगे, उसके बाद आप हेयर्स को सेक्शन में, फोर सेक्शन पर डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट, उसके बाद हम एक एक लेयर उठाते रहेंगे, एक एक सेक्शन निकालते रहेंगे। आप चाहो तो उसमें कॉम्ब की हेल्प से भी कर सकते हो, या चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। दोनों तरीके से बेटर होता है। उसके बाद इस टाइप से हमें क्रीम लेनी है। मैं ज़्यादा क्रीम नहीं ले रही हूँ, पहले मैं हल्का हल्का लगाऊंगी, उसके बाद क्रीम देखूंगी कितनी ऐड करनी है मुझे और कितनी नहीं। थोड़ा थोड़ा ऐसे सेक्शन में थोड़ी थोड़ी क्रीम लेंगे और फिर पूरा नीचे तक लगा लेंगे इस क्रीम को, और अच्छे से उसके बाद मसाज करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से भी पूरा फुल नीचे तक मसाज करेंगे। मैंने पीछे के बालों को सारे अच्छे से कर लिया था, मैं नेक्स्ट सेक्शन को ले रही हूँ। फ्रंट सेक्शन को आप ऐसे क्लिप से भी ऐड कर सकते हो, इसको क्लिप से भी कर सकते हो सही, क्योंकि बार बार हेयर आते हैं। या फिर आप क्लचर की भी यूज़ कर सकते हो, क्लचर भी लगा सकते हो। देखिए ऐसे आपको करना है, ऐसे आप करते करते आप सारे बालों पे करेंगे अच्छे से। बस आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि क्रीम बालों में ज़्यादा ना रहे, उसके बाद कहीं साइड पे, किसी बॉडी पार्ट पे भी कहीं ना लगे, ना ही कान पे या कहीं पे भी, क्लाइंट को भी वो चीज़ पसंद है। देन उसके बाद मैंने इनके लगा दिया था कैप, स्टीम कैप। 10 से 15 मिनट कैप स्टीम देने के बाद फिर मैंने इनके हेयर्स को वॉश करवा दिया था। सिंपल नॉर्मल पानी से ही हमें वॉश करना है, हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना उसके बाद। देन इसको टैंगल फ्री कर लेंगे। देखिए इनके बाल इतने सॉफ्ट हो गए, इतने अच्छे लग रहे थे। बाद में मैंने इनके हेयर्स को स्ट्रेट किया था।